हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कढ़ी की रेसिपी। पर इस कढ़ी को ना तो मैंने दही से बनाया है, ना ही छाछ से बनाया है। मैंने इस कढ़ी को कच्चे आम से बनाया है, तो आप इस सीजन में इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। चलिए देखते हैं कैसे बनाना है। यहाँ पर मैंने एक आम लिया है, और अगर आप छोटे आम ले रहे हैं तो एक की जगह दो ले सकते हैं, या फिर क्वांटिटी को फैमिली के अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हैं। तो मैं इसे छील लूँगी। ये देखिए, आम जो मेरे हैं थोड़े थोड़े पके हुए हैं, तो आप चाहे तो इस तरीके का आम लीजिए या फिर पूरा कच्चा आम भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, आम को इस तरीके से कट कर लूँगी, जिसके जो गुठली है उसे अलग कर दूँगी, और आम के सारे पल्प को आपको निकाल करके रख लेना है इस तरीके से कट करके। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा इस सीज़न में। तो यहाँ पर देखिए, मैंने सारे पल्प को निकाल करके रख लिए हैं, और यहाँ पर गुठलियाँ को भी आपको फेंकना नहीं है, इसे भी मैं यूज़ करूँगी। तो यहाँ पर ये आगे के प्रोसेस के लिए बिल्कुल तैयार है। तो ये देखिए, मैंने आधे आम को इस तरीके से पीस लिया है, और आधे आम को ऐसे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। आप चाहे तो सारे पीसेस को कट कर सकते हैं, या फिर सारे पीसेस को ब्लेंड करके यूज़ कर सकते हैं। इस रेसिपी के लिए, या फिर कहिए कढ़ी के लिए, बेसन बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो यहाँ पर मैं इस चम्मच से 4 चम्मच बेसन ली हूँ, तो आपको बेसन ले लेना है, और साथ ही 1 चम्मच मेरा यहाँ पर अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट है। ये देखिए, बिल्कुल 1 ही चम्मच है ये। इसे ऐड करने के बाद 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर ऐड कर लीजिए, साथ ही 1 छोटी चम्मच के करीब काली मिर्च पाउडर, साथ ही यहाँ पर 1.5 छोटी चम्मच ऐड करूँगी जीरा पाउडर। तो यहाँ पे जीरा पाउडर मैं थोड़ा ज़्यादा ऐड कर रही हूँ, और इसके बाद यहाँ लाल मिर्च पाउडर ऐड करूँगी 1/2 छोटी चम्मच। इसके बाद यहाँ पर मैं ऐड करूँगी 1 छोटी चम्मच साबुत जीरा, तो ऐड कर लीजिएगा, और साथ ही यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, अगर आपके पास नहीं है तो स्किप कर सकते हैं, और यहाँ पर ऐड करूँगी टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। बस इतना ही ऐड करना है आपको, और सभी चीज़ों को एक बार अच्छे तरीके से मिक्स कर दीजिए बेसन के साथ। बहुत ही परफेक्ट करी की रेसिपी है, तो इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करिएगा, और मुझे अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करिएगा कि कैसी बनी। तो यहाँ पर मैंने मिक्स कर लिया है, अब आपको थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करना है और एक अच्छा सा बैटर तैयार करना है। ये देखिए, बिल्कुल इस तरीके से, एक ही बार में ज़्यादा पानी ऐड मत करिएगा। तो इस तरीके से मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और यहाँ पर जो हमारा आम का पल्प है जिसे मैंने ब्लेंड कर लिया था, उसे ऐड कर लूँगी। ये देखिए, और साथ में आपको इसे भी अच्छे तरीके से बेसन के साथ मिक्स करना है। यकीन मानिए, यह कढ़ी की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, एक बार इसे बना करके देखिएगा। तो इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाइए, और अच्छा सा बैटर बना करके आपको तैयार कर लेना है। तो ये देखिए, तो यहाँ पर मैं अच्छे से मिक्स कर चुकी हूँ, तो मैंने बहुत सारा पानी ऐड कर लिया है यहाँ पर, और बहुत ही पतला सा घोल बना करके तैयार कर लिया है। जैसे हम लोग कढ़ी के लिए बनाते हैं ना, दही वाली कढ़ी, बिल्कुल वैसे ही आपको तैयार करना है। तो यहाँ पर ये बिल्कुल तैयार है, तो चलते हैं आगे और देखते हैं आगे क्या करना है। यहाँ पर मैंने 2 बड़े चम्मच तेल गर्म होने के लिए रख दिया था, तो तेल बहुत ही बढ़िया तरीके से गर्म हो चुका है। तो ऐड कर रही हूँ 1.5 छोटी चम्मच जीरा। इसे ऐड करने के बाद यहाँ पर 2 लाल मिर्च को मैंने तोड़ दिया है और ऐड कर लिया है। यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 1/2 छोटी चम्मच सरसों के दाने, और कढ़ी की रेसिपी में मेथी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, तो मैंने 1 छोटी चम्मच लिया है। यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 8 से 10 करी पत्ता। यहाँ पर मैंने सूखे हुए करी पत्ता का इस्तेमाल किया है, और यहाँ पर ऐड कर रही हूँ अदरक 1.5 इंच के करीब है, जिसे मैंने कट कर लिया था। इसके बाद हींग, और यहाँ पर ऐड करना है जो आम के पीसेज है जिसे मैंने कट करके रखे थे, और इसे आपको हाई फ्लेम पर अच्छे तरीके से मिक्स करते हुए तब तक भूनना है जब तक आम अच्छे तरीके से सॉफ्ट नहीं हो जाता है। जब इस कढ़ी के रेसिपी में छोटे छोटे से बाइट्स पड़ेंगे ना आम का, तो बहुत ही टेस्टी लगता है। तो इस तरीके से पीसेस करके ज़रूर से ऐड करिएगा। अदरवाइज वो आपकी चॉइस है कि आप सारे पीसेस को कट
करके बनाना चाहते हैं या फिर सारे पीसेस को ब्लेंड करके। तो इसी तरीके से यहाँ पर देखिए बहुत ही परफेक्ट तरीके से भून गया है और बहुत ही बढ़िया तरीके से सॉफ्ट हो चुका है। तो बिल्कुल तैयार है हमारा ये। तो एक बार अच्छे तरीके से और मिक्स कर दूंगी और यहाँ पर फ्लेम को रखिए मीडियम। और यहाँ पर जो हमने घोल बना करके तैयार किया था बेसन और आम का, उसे ऐड कर दीजिए। ये देखिए कितना परफेक्ट दिख रहा है। साथ ही यहाँ पर मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर लूँगी क्योंकि मुझे इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ही ज़्यादा गाढ़ी लग रही थी। तो ये देखिए इसे एक बार अच्छे तरीके से मिक्स कर दीजिए और यहाँ पर इसे मीडियम फ्लेम पर बनाइएगा। ये कढ़ी की रेसिपी बहुत परफेक्ट बनती है। और साथ ही हमारा ये गुठली जो आम का है उसे भी ऐड कर दूंगी। इससे क्या होता है बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है और इसके साथ खाने में कढ़ी और भी मज़ा आता है। और यहाँ देखिए कढ़ी जो है हमारा बहुत अच्छे तरीके से बॉईल आ चुका है। तो यहाँ पर कढ़ी क्या होता है बहुत ही जल्दी उबलने लगता है और ये गिरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है इसे मीडियम फ्लेम पर पकाना है और अच्छे से बीच बीच में चलाते रहना है। ये कढ़ी की रेसिपी मैंने अपने मम्मी से सीखी है। मैंने जब उनके हाथों से एक बार खाया था तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था ये रेसिपी। तो मैंने सोचा क्यों ना ये रेसिपी आपके साथ भी शेयर करूं। तो अचानक से मुझे इस रेसिपी के बारे में याद आ गया और कच्चे आम पड़े हुए थे घर पर, तो मैंने सोचा क्यों ना कढ़ी बना दिया जाए इसका। तो मैं ये रेसिपी आप सबके लिए लेकर आ गई हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा और साथ ही वीडियो को लाइक करिएगा। तो इसी तरीके से 4 से 5 मिनट आपको इसे पकाना है, ज़्यादा टाइम नहीं लेता है। एक बात यहाँ पर मैं आपको और कहना चाहूँगी, अगर आप ज़्यादा खट्टे आम का यूज कर रहे हैं तो बहुत ही कम करिएगा क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा खट्टा हो जाता है। यहाँ पर बारीक कटी हुई धनिया पत्ती ऐड कर दूंगी और एक बार सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दूंगी। और यहाँ पर कंसिस्टेंसी देख रहे हैं कितना ज़्यादा परफेक्ट है। मैंने कुछ भी दही वगैरह का यूज नहीं किया है और ये रेसिपी सच में बहुत ही बढ़िया बनकर के तैयार होता है, बहुत ही खट्टा होता है। ज़रूर ट्राई करिएगा, जैसा करी होना चाहिए बिल्कुल वैसा ही होता है। यहाँ पर देखिए कितना परफेक्ट दिख रहा है। तो बिल्कुल इस कंसिस्टेंसी तक आने तक आपको इसे पकाना है। मैंने गैस के फ्लेम को बंद कर दिया है और साथ ही यहाँ पर तड़का लगाने के लिए मैंने सरसों का तेल, जीरा और अदरक ऐड किया है और एक लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ। और यहाँ पर साथ ही आपको तेज पत्ता ऐड कर लेना है, तो मैंने 2 तेज पत्ता ऐड किया है। और सभी को अच्छे तरीके से जलने दीजिएगा। और साथ ही कुछ करी पत्ता भी मैंने ऐड कर लिया है। बहुत ही परफेक्ट तरीके से हमारा तड़का जो है बन करके तैयार है। तो जो हमारा वहाँ पर कढ़ी बन करके रेडी है ना, उसमें आपको ऐड कर देना है। और ये देखिए कच्चे आम की तड़का वाली कढ़ी बन करके तैयार है। तो लीजिए इसे एक बार अच्छे तरीके से मिक्स कर दीजिए कढ़ी के साथ और देखिए कितना ज़्यादा प्यारा दिख रहा है। आई होप आपको ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। तो ज़रूर से बनाइएगा इस रेसिपी को, आपको सच में बहुत पसंद आएगा, साथ ही आपके फैमिली को भी। वैसे तो आप हमारा थंबनेल देख करके ही समझ गए होंगे कि मैं आज आपके लिए कच्चे आम की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो इस सीज़न ज़रूर बनाइएगा क्योंकि अगर कच्चे आम का सीज़न चला गया ना तो आपको फिर से अगले साल का इंतजार करना पड़ेगा। बना करके एंजॉय करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में मज़ेदार रेसिपी के साथ।